अरविंद केजरीवाल जी नवरात्रों में अंडा नहीं खाते हैं, ये गलत सूचना दी जा रही है। आपने मजाक बना रखा है, आप कुछ भी करेंगे, इंसुलिन की दवा नहीं देंगे, एक आदमी की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की डाइट और उनके हर दिन बढ़ते शुगर लेवल को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। ईडी ने अदालत में कहा था कि उन्हें घर का खाना खाने की मंजूरी दी है, उन्हें बीपी शुगर की समस्या है, लेकिन देखिए वे क्या खा रहे हैं, आलू पूरी, केला, आम और हद से ज्यादा मीठी चीजें। यहाँ तक कि नवरात्रि में अंडे खाने के भी बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाए हैं, लेकिन उन तमाम आरोपों पर आप नेता आतिशी ने बीजेपी और ईडी पर ही सवाल उठा दिए हैं। ये बिल्कुल गलत सूचना है, अरविंद केजरीवाल जी नवरात्रों में अंडा नहीं खाते हैं, ये गलत सूचना दी जा रही है कि उनको 11 अप्रैल को अंडे दिए गए हैं। अगर आप देखिए कि 8 अप्रैल तक लगातार उनको नाश्ते में अंडे आ रहे थे, लेकिन नवरात्रि शुरू होने के बाद उनका पूरा डाइट चार्ट बदल गया, उसमें उपमा, पोहा, इडली, उत्तपम इत्यादि दिया जा रहा था। नवरात्रों के दौरान अरविंद केजरीवाल जी को अंडा खिलाए जाने की सूचना बिल्कुल बेबुनियाद है, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पुलिंदा है कि वो एक बीमार आदमी की, उनके खान पान की, उनकी दवाइयों की आज उस पर राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। मंत्री आतिशी का कहना है कि सीएम केजरीवाल को 30 साल से शुगर है और शुगर को कंट्रोल रखने के लिए 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते हैं, लेकिन जब से केजरीवाल कस्टडी में गए हैं उनकी इंसुलिन जेल अधिकारियों द्वारा रोक दी गई है। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज है, उनके डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि वो पहले 54 यूनिट इंसुलिन के देते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी दवाइयां रोककर उनको इंसुलिन देने से मना करकर। आपका कहना है कि बीजेपी और ईडी मिलकर साजिश कर रही है और उसी के तहत ईडी झूठी कहानियां जनता और कोर्ट के सामने पेश कर रही है। आप नेताओं ने सिलसिलेवार तरीके से ईडी के दावों को झूठा बताया है, जैसे केजरीवाल मीठी चाय पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, जबकि आपका दावा है कि डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब एक स्वीटनर एरिथ्रिटोल की चाय और मिठाई खाने की अनुमति है। केजरीवाल के केला खाने को लेकर भी कहा गया है कि शुगर के मरीज को इमरजेंसी के लिए हमेशा केला और चॉकलेट रखने के लिए कहा जाता है। केजरीवाल रोज आलू पूरी खा रहे हैं, जबकि आप नेताओं का कहना है कि सिर्फ नवरात्र के पहले दिन प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी खाई थी। आप नेता और सांसद संजय सिंह भी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। उनका इल्जाम है कि जेल प्रशासन द्वारा पीएम मोदी के आदेश पर 3 बार निर्वाचित सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन तक मुहैया नहीं कराई जा रही है, इस साजिश में हर प्रशासनिक अधिकारी शामिल है। माननीय राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से मिलकर उन सब के निलंबन की मांग की जाएगी। आपने मजाक बना रखा है, आप कुछ भी करेंगे, इंसुलिन की दवा नहीं देंगे, एक आदमी की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ये आपराधिक कृत्य है। ये अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की प्रधानमंत्री और उनके कारिंदे जितने भी हैं उनके साथ मिलकर एक गहरी साजिश है, और जल्द ही चुनाव आयोग से मिलके, भारत के राष्ट्रपति से मिलके उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जो इस साजिश में शामिल है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए, ऐसी हम लोग मांग करेंगे। आप नेताओं का कहना है कि सीएम केजरीवाल ने 1 फरवरी 2024 को एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम शुरू किया था ताकि इंसुलिन पर निर्भरता कम हो जाए, हालांकि 21 मार्च 2024 को उनकी गिरफ्तारी ने कार्यक्रम को रोक दिया। सीएम केजरीवाल की कानूनी टीम ने कोर्ट से उनके अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने और इंसुलिन फिर से शुरू करने की इजाजत मांगी है।